दोस्तों हाल ही में KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई है, जिसने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस फिल्म का लोगों को पिछले 3 साल से इंतजार था और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई इसके सारे शो हाउसफुल हो गए। यश ने एक बार फिर से अपनी धमाकेदार एंट्री से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं KGF के बारे में एक ऐसी सच्चाई है जिसे आपसे छिपाया गया है? तो आइए जानते हैं वो सच्चाई जिसे आप और हमसे छिपाया गया। KGF चैप्टर 2 अभी 5 भाषाओं में रिलीज हो चुकी है और इसने दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई की है। फिल्म को पहले दिन 10,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। हिंदी सिनेमा में KGF ने पहले दिन 65 करोड़ रुपए की कमाई की और इस तरह यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बन चुकी है। वहीं तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन 183 करोड़ की कमाई कर नया इतिहास रच दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म ने पहले दिन 183 करोड़ की कमाई की है, जबकि इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए था। अब ये फिल्म और ज्यादा कमाई कर रही है। दोस्तों KGF एक रियल स्टोरी है, क्योंकि कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खान हुआ करती थी, जिससे अब तक 900 टन से ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। ये वो समय था जब भारत का 95% सोना इसी खान से निकाला जाता था और इस वजह से भारत को दूसरे देशों से सोना खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। पहले लोग इस खदान के बारे में जानते तक नहीं थे, लेकिन जैसे ही 2018 में KGF फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को इस खदान के बारे में पता चला। इस सोने की खदान के बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए। कहां है KGF? अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह KGF है कहां? कर्नाटक का एक खनन क्षेत्र है KGF, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। खनन क्षेत्र के साथ साथ यहां आज 2 लाख से ज्यादा की आबादी निवास करती है। ये लोग वही हैं जिनके पूर्वज कभी सोने की खदान में काम कर चुके थे। ब्रिटिश राज के समय यहां सोना निकालने का काम शुरू हुआ था। हालांकि इनसे पहले भी कई लोग दावा कर चुके थे इसके नीचे सोना मौजूद है, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी की कमी के कारण यहां माइनिंग का काम शुरू नहीं हुआ था, जो कि बाद में अंग्रेजी हुकूमत के चलते शुरू हुआ था। 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी ने पहली बार यहां से सोना बरामद किया था। 1875 में माइकल को सरकार की तरफ से कोलार की खान से सोना निकालने की परमिशन भी मिल गई। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फिल्म KGF में दिखाए गए मजदूरों की कहानी एकदम सच है, क्योंकि शुरुआत में जिन मजदूरों को यहां माइनिंग करने के लिए लाया था उनसे बड़ी बुरी तरह से काम करवाया जाता था। तब यहां ना तो लाइट थी और ना ही मशीनें थी, और इसलिए मजदूरों को सारे काम खुद से करने पड़ते थे। 120 साल तक चली इस माइनिंग में 6,000 से ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी थी। 1890 में काम को तेजी से करने के लिए कंपनी ने आधुनिक मशीनें लगाई। ये मशीनें इतनी ज्यादा एडवांस थी कि आने वाले 100 साल तक इन्हीं मशीनों से माइनिंग की गई। माइनिंग करने के लिए बिजली की भी जरूरत पड़ने लगी, इसलिए भारत के अंदर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था, जिसे आज आप कावेरी इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके में भी काफी तरक्की हो गई। जो ब्रिटिश ऑफिसर बड़े औहदे पर काम करते थे उन्होंने यहाँ रहने के लिए घर बना डाले, और देखते ही देखते ये इलाका एक बड़े शहर में बदल गया। अब यहाँ पर बड़े पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब जैसी बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। हालांकि ये सब सुविधाएं तब केवल अंग्रेजों के लिए थी, गरीबों की हालत अब भी वैसी ही थी। जॉनसन्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया माइनिंग का काम 76 साल तक चला। यहां तक आजादी के बाद भी 9 साल तक माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के अंडर रहा, लेकिन साल 1956 में राज्य सरकार ने माइनिंग के काम को अपने अधिकार में ले लिया और 1972 में भारत सरकार ने BGML PSU बनाया। जब यहां पर शुरुआत में माइनिंग का काम शुरू हुआ था तब यहां ऊपरी सतह पर ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये माइनिंग गहरी होती गई, और जब तक ये माइनिंग भारत सरकार के हाथ में आई तब ये 3 किलोमीटर गहरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइन कहलाई गई। इतनी गहराई का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता था, जहां इंसानों के लिए काम करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता था। 1890 में शुरू हुआ माइनिंग का काम 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस खदान को बंद करने की एक वजह ये भी रही थी, शुरुआत में यहाँ खुदाई में सोने की मात्रा 45 ग्राम टन के आसपास थी, जबकि 1990 के बाद ये मात्रा 3 ग्राम टन रह गई थी, जिससे कंपनी को काफी नुकसान हुआ और 120 साल में KGF से 900 टन गोल्ड निकाला गया था। रॉकी की कहानी। KGF में रॉकी का किरदार लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया था, लेकिन लोगों का कहना है कि यश ने ठंगम गैंगस्टर का रोल किया था। ठंगम को चंदन तस्कर वीरप्पन के बाद दूसरे नंबर पर जाना जाता था।
KGF 1 में तो यश और ठंगम की कहानी मिलती जुलती है, लेकिन KGF चैप्टर 2 इनकी कहानी कुछ और ही दर्शा रही है। अगर KGF 2 में यश का इनकाउंटर हो जाता है तो हम जरूर कह सकते हैं कि ये कहानी सच्ची है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।